हाँ तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे पूछने वाला हूँ फिजिक्स के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हो सकता है आपको पता हो या ये भी हो सकता है कि आपको पता ना हो। फ्रेंड वीडियो को अंत तक देखना और ये जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा, यानी कि आपके कितने आंसर सही थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे सोच सकते हैं, क्योंकि भाई अगर मैं रुकूंगा वीडियो में बीच में तो आपको इरिटेटेड लगेगा, वीडियो लंबी हो सकती है और आप वीडियो को बीच में छोड़ के भाग भी सकते हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर दो है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की यूनिट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जूल। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास किलोवाट घंटा मात्रक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर चार है, लेसर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टीएच मेम्मा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वास्तविक एवं उल्टा। क्वेश्चन नंबर छह है, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य के विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर सात है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले कितना हो जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छठा भाग रह जाता है। क्वेश्चन नंबर आठ है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्वेश्चन नंबर नौ है, किलोवाट घंटा मात्रक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, चुंबक के क्षेत्र का मात्रक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गॉस। हाँ जी, कमेंट में ये जरूर बताना कि आपने इनमें से कितने आंसर सही दिए थे।